हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ ककोड़े की सब्ज़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो मैं ये सब्ज़ी बना रही थी, सोच रही हूँ मैं आपके साथ भी शेयर कर दूँ। मैंने ये सब्ज़ी अभी दूसरी बार बनाई है इस सीज़न में। तो उस ककोड़ा को मैंने काट लिया है, उसकी वीडियो मैंने ऊपर लगा दी है और किस तरीके से कट किया है। तो उसको आप इस तरीके से काट लिए, और उसके लिए मैंने यहाँ पर दो प्याज ले लिए हैं बड़े साइज़ के। एक बड़े साइज़ का प्याज है, एक मीडियम साइज़ का है। तो इन प्याज को छील करके और फिर अच्छी तरीके से धो लेंगे, क्योंकि प्याज जो है आजकल थोड़ा सा ख़राब से आ रहे हैं ऊपर से। तो इसको धो लीजिए पहले बहुत अच्छे से, उसके बाद इसको कट कर लेंगे। इसको स्लाइस में काटना है इस तरीके से। ये सब्ज़ी जो है काफ़ी हेल्दी होती है, और ये सब्ज़ी सिर्फ बरसात के मौसम में ही आपको मिलती है। काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं, विटामिन ए होता है, प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है इसके अंदर, कैल्शियम होता है, आयरन होता है, और विटामिन ए जो है आंखों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो बस यहाँ पे मैंने कढ़ाई में ले लिया है ऑयल, थोड़ा ज़्यादा लिया है। पहले मैं इनको फ्राई करूँगी, तो मैंने इन्हें काट करके रख दिया था, और इसके बाद अब इसको फ्राई कर लूँगी। इसको दो तरह से बना सकते हैं आप, डायरेक्ट सब्ज़ी की तरह से बना सकते हैं, या फिर आप इसे फ्राई करके भी बना सकते हैं। फ्राई करने से ये ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो आज मेरा ये टेस्टी वाले ककोड़े खाने का दिल था, तो मैं फ्राई करके बना रही हूँ। वैसे मैं सब्ज़ी की तरह नॉर्मल कम तेल में बनाती हूँ। तो इसको देखिए, अच्छा से क्रिस्पी होने तक मैंने फ्राई कर लिया है, और इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा करके मैं सारे ककोड़े को फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए, इस तरीके से बिल्कुल क्रिस्पी से हो गए हैं ये, और ये देखिए इस तरीके से और भी मैंने डाल दिए हैं। थोड़े थोड़े करके मैं इसको फ्राई कर लूँगी। तो आप इस तरीके से फ्राई करके बनाएं, या फिर आप इसे डायरेक्ट सब्ज़ी जैसे बनाते हैं वैसे बनाएं, किसी तरीके से बनाएं, लेकिन खाएं ज़रूर बरसात के मौसम में। और यहाँ पे देखिए, मैंने फ्राई कर लिए थे, अब थोड़ा सा ऑयल मैंने और डाला कढ़ाई में। इसमें डाला है मैंने जीरा, थोड़ी सी हींग डाली है 2 पिंच के बराबर, और इसमें डाल देंगे प्याज, 2 मीडियम साइज़ के प्याज स्लाइस में काट करके रखे थे। प्याज डालेंगे, प्याज को हल्का सा गुलाबी होने तक भून लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे प्याज को, हल्का गुलाबी होने तक इसे भुना है मैंने। ये देखिए हल्की सी फ्राई हो गई है प्याज। अब इसके अंदर हम टमाटर भी डालेंगे। आज मैं टमाटर डाल रही हूँ इसके अंदर, वैसे मैं टमाटर नहीं डालती हूँ। टमाटर डालने पे ही बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। और इसके बाद इसमें मसाले जाएंगे, लाल मिर्ची का पाउडर, धनिया पाउडर 1-1 चम्मच, और हल्दी पाउडर 1/2 छोटी चम्मच, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। और अब इसको मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करने के बाद 1-1.5 मिनट के लिए इसको पका लेंगे, जिससे टमाटर सॉफ्ट हो जाएँ। और टमाटर के सॉफ्ट होने के बाद फिर इसके अंदर फ्राई किए हुए ये ककोड़े ऐड कर देंगे और मिक्स कर देंगे इसको अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद अब इसको हम पकाएंगे ढक करके। ढक करके इसको हम 4-5 मिनट पका लेंगे पहले, और फिर 4-5 मिनट के बाद इसको ओपन करेंगे। बीच बीच में आप चलाते भी रहिएगा, नहीं तो नीचे सब्जी लग सकती है और जल सकती है। तो यहाँ पर 4-5 मिनट मैंने पकाया। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ सौंफ, दरदरी कुटी हुई सौंफ मैंने डाली है 1 चम्मच। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे इसको मिक्स करने के बाद फिर से मैं 3-4 मिनट इसको और ढक करके पका रही हूँ। और अब ये 3 से 4 मिनट हो गए हैं। ढक्कन उठा करके एक बार इसको चला देंगे, और लास्ट में हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा अमचूर पाउडर, 1 चम्मच के बराबर अमचूर पाउडर डालेंगे। इससे बहुत अच्छी खटास इसके अंदर आती है और सब्ज़ी का टेस्ट बढ़ जाता है। तो अमचूर पाउडर डाल लें इसके अंदर, मिक्स कर लेंगे इसको। मिक्स करने के बाद अब हमारी ये सब्ज़ी रेडी हो गई है। आप चाहें तो 1-1.5 मिनट और पका लें इसको, वरना सब्ज़ी हमारी बिल्कुल रेडी है। आप इसे रोटी पराठे के साथ सर्व करें, बहुत ही मज़े की सब्ज़ी बनती है, हेल्दी सब्ज़ी है, सीजन की सब्ज़ी है। तो आप इसे बरसात के मौसम में ज़रूर खाएं। मैं इसको सर्व कर लेती हूँ। काफ़ी सारे इसके हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, तो आप इसे ज़रूर बनाएं। तो यहाँ पर सब्ज़ी को मैं डिश आउट करके दिखा देती हूँ आपको। तो गर्मा गर्म ककोड़े की सब्जी रेडी है। इसको मैं रोटी के साथ सर्व कर रही हूँ। आप इसे पराठे के साथ ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है। और मैंने आज एक कद्दू की सब्ज़ी भी बना रखी है, तो मैं वो भी सर्व कर लेती हूँ। तो ये 2 सब्ज़ियाँ मैंने बनाई हुई है। एक मैंने सुबह ब्रेकफास्ट में बनाई थी, हस्बैंड को लंच दिया था तो उस टाइम पर बनाई थी, और दूसरी मैंने अभी ये लंच टाइम में बनाई है। तो आप भी बनाइए, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए मैं लंच कर लेती हूँ, आप भी इस सब्ज़ी को बना के ज़रूर खाइए। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।
अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।